स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के परिणामों को लेकर कैबिनेट पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि हरियाणा के शहरों के परिणाम बैठकर संतुष्ट होने वाले नहीं आए हैं। उन्हें खुशी तो है कि हरियाणा को स्वच्छता सेवा में दूसरा स्थान मिला है, मगर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हरियाणा को नंबर वन और फरीदाबाद के आंकड़ों को भी कम करने की जरूरत है। ये बयान मंत्री ने फरीदाबाद के सेक्टर बारह हुड्डा सभागार में आयोजित रोटरी ब्लड बैंक संस्था के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को दिए, जहां वह संस्था के आभार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा सभागार में रोटरी ब्लड बैंक संस्था द्वारा एक साल पूरा होने पर वार्षिक आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे, जिनके पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में रोटरी ब्लड बैंक के एक साल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई और एक साल में ब्लड बैंक के लिए काम करने वाले सामाजिक लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि रोटरी ब्लड बैंक को एक साल पूरा हो गया है, जिस पर वह उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आगे भी रोटरी क्लब की तरह समाज के लिए ब्लड बैंक संस्था भी काम करती रहेगी। वहीं मंत्री ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के परिणाम में हरियाणा के शहर करनाल और रोहतक ने देश भर में 4000 शहरों में से पहले 100 शहरों में स्थान हासिल किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा स्वच्छता सेवा मुहैया करवाने में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है, मगर वह अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों को लेकर बैठना ठीक नहीं है। अभी प्रदेश को नंबर वन पर लाना है और प्रदेश के जिन शहरों की हालत अभी खराब है, जो इस परिणाम में पिछड़े हैं, उनके आंकड़ों को भी सुधारना है, जिसमें फरीदाबाद का 217वां नंबर है। इस आंकड़े को जल्द कम करना होगा। रोटरी क्लब की बात करें तो आज उनका जो आभार कार्यक्रम था, तो मैं सभी लोगों को जिन्होंने रोटरी के एक साल से बने हुए ब्लड बैंक में सहयोग किया, वाकई में उनके लिए अभी आभार है। और पहले साल के अंदर इतना बड़ा नंबर अचीव करना एक, मैं तो कहता हूँ, बहुत बड़ा टास्क था जो उन्होंने पूरा किया। और अगले साल के लिए जो 15,000 यूनिट्स का नंबर रखा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और लेकिन जिस तरीके का डेडिकेशन और जिस तरीके के लोग यहाँ पर थे, मुझे लगता है हम उस नंबर को ईजिली रोटरी क्लब अचीव कर पाएगा। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरा जो भी सहयोग चाहिएगा उसके लिए भी। मैं सर, देश के स्वच्छता सर्वेक्षण का भी परिणाम निकल के आया है, बधाई हो। पहले हरियाणा को पूरे देश दूसरा स्थान मिला है जी, और हमारे जो दो जिले हैं वो फर्स्ट 100 के अंदर भी आए हैं। लेकिन अभी इस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे और सिटीज़ हैं, उनमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इससे ये हमारे लिए सिर्फ एक नंबर और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन है, जो ये हमारे पास डाटाज आए हैं। तो हम इससे बैठने वाले या इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम हरियाणा को पहले नंबर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में माननीय मनोहरलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर वन है। तो स्वच्छता के अंदर भी जल्दी नंबर वन होगा। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के स्थान को भी हम जो आज 217 नंबर पर है 4000 से, उसे बहुत नीचे लाने के लिए प्रयास करें।